ये ओल्ड सिटी एरिया है, पूरे पाकिस्तान का ये मेन हब है। तमाम यहाँ कारोबार होलसेल का होता है, डोरी हो, कपड़े का हो, मोहनदास मार्केट हुई, गारमेंट की मार्केट हुई, तो ये तमाम एरिया इस वक्त पानी के अंदर आप देखें क्या हालात है। यानी हम यहाँ पे कारोबार करना तो मुश्किल, हमारा मजदूर मार्केट के अंदर भी नहीं जा सकता। पहले हम 5 महीने लॉकडाउन के अंदर परेशान रहे और ऐसे हालात हो गए थे कि समझो कि फाकों की नौबत आ गई थी। अब ये सूरत हाल है कि अगर हम यहाँ बैठे कारोबार करते हैं तो मजदूर पानी लाने को तैयार ही नहीं है। मजदूर जो है वो माल लाने को तैयार ही नहीं है यहाँ पर। क्यों नहीं तैयार वो माल लाने के लिए, यार इतने कीचड़ में, इतने पानी में हम कैसे लेकर आएंगे। दूसरी बात ये हुक्मरान जो है ना, मैं तो ये समझ रहा हूँ कराची के हुक्मरान सो रहे हैं, एक गटर का ढक्कन उठाते हैं, फोटो बनाते हैं, हमने गटर खोल दिया, ये क्या हो रहा है। अगर नहीं होता तो जितनी भी सिंध में गवर्नमेंट है ना वो सब घर चल जाएं। उन्होंने तो लावारिश छोड़ा हुआ शहर को, कराची को। बारिश होती तो बाहर घूमने निकल जाते हैं खाने पीने के लिए, समोसे खा रहे हैं, इनकी फोटो बनाने तक नहीं है। इधर आवाम परेशान है। यानी वो 5 महीने हमारी कमर तोड़ी थी लॉकडाउन ने, अब कुछ कारोबार हिलना शुरू हुआ तो ये नए मसाइल खड़े हो गए। ये है नया पाकिस्तान, देखें। बारिशों के बाद से यहाँ पर गटर उबल रहे हैं, गटर का पानी इतना बह रहा है कि आप इंतहा हो गई है। हम लोगों ने हर इदारे से बात कर ली, हर किसी से बात कर ली। ये इलाका जहाँ मैं खड़ा हूँ ये बम्बई बाजार है, इससे पहले आपको हमारे चेयरमैन साहब ने न्यूनाम रोड का बताया होगा। यहाँ इतना पानी है कि अगर गाड़ियाँ निकलती हैं तो अंदर गड्ढे गड्ढे नज़र नहीं आते। रोज़ एक रिक्शा, हाथ गाड़ी, लेडीज़, बच्चे रोज़ाना लाजमी घिरते हैं यहाँ पर। और हमने हर किस्म की कोशिश कर ली कि भाई ये मसला हल हो जाए, लेकिन ये मसला हल नहीं हो रहा। तकरीबन 1 माह हो गया इस मसले पे, हर दरवाज़ा हम खटखटा चुके हैं। अगर वो ये समझे कि सिर्फ ये बातें हैं तो ऐसा नहीं है। ये मेरा मोबाइल इस वक्त मेरी जेब में पड़ा हुआ है, पीपल्स पार्टी MQM मुत्तहिदा जो पाकिस्तान है वो PTI। आज PTI वालों का मुझे एक मैसेज आया कि जी आप ज़ुबैर से रब्ता कर लें, यानी आला क़यादत यहाँ आने को तैयार ही नहीं है। ये वो इलाका है जहाँ पर कम से कम रोज के 6 से 7 करोड़ रुपए टैक्स जाता है। यहाँ पर होलसेलर, रिटेलर, एक्सपोर्टर, यान वाले, ये इम्पोर्टर सब यहाँ पर हैं। इतना जाता है यहाँ से टैक्स रोज का कि अगर आधे दिन का टैक्स भी इस इलाके पे लगा दें, अपनी जेब के अलावा हमारे को लगा दें इस इलाके पे, तो ये पानी का मसला हल हो सकता है। अब ये क्या वजह है? अच्छा, ये 1 बजे तक दोपहर को मानी नहीं होता, 1 बजे से पानी निकलना शुरू होता है तो ये 8 बजे के बाद जाना शुरू हो जाता है। अगर लाइनें चौक हैं, पानी जा ही नहीं रहा, तो ये फिर किसे चले जाता है? मुश्किल ये हो गई है कि बंदा कारोबार किस तरह करेगा। इससे पहले लॉकडाउन था, लॉकडाउन के बाद अब ये मसला शुरू हो गया। बेताशा पानी है, गाड़ियाँ ये लोग रोज़ भेज रहे हैं लेकिन पता नहीं कहाँ काम हो रहा है, ये अल्लाह ही बेहतर जाने। एक गटर अगर साफ़ करके फ़ोटो सेशन करा के वो गाड़ियों को रवाना कर देते हैं। आज तक हमें ये ऐसा मसला नहीं हुआ। मजबूरन हमें आज ये एहतजाज के तौर पे बैनर लगाने पड़ गए। तकरीबन 25,000 दुकानें यहाँ मौजूद हैं। तो ये हज़ारों दुकानों की तर्जुमानी कर रहे हैं, इनको क्या जवाब दें? ये दुकानदार हमें देखता है ऐसा जैसे हमने ये सारे गटर खुलवाने हैं, तो ये भी मजबूर है ना, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर सिंध हुकूमत ने और ये जितने भी वाटर बोर्ड है, खासकर ये वाटर बोर्ड का जो अमला है ना, ये काम करने के मूड में नहीं है। गाड़ियाँ भेज देते हैं, फोटो सेशन कराते हैं, बस। सिर्फ मैं बता रहा हूँ इस पूरे कराची में खासकर सिर्फ फोटो सेशन रह गया है कि गटर का ढक्कन खोला। अबे भाई तुम्हारे काम है, तनख्वाह लेते हो। इन 65% जो पाकिस्तान को जनरेट कर रहा है कराची, ये होलसेल का एरिया, यहाँ कोई 200 थोड़ी बिकते हैं। करोड़ों का कारोबार होता है, करोड़ों का यहाँ से आपको रेवेन्यू मिलता है, लेकिन आज आप लोग बिल्कुल बेबस हो। मैं तो ये समझता हूँ कि अब हमारे पास अगली एक ही चीज़ है, वो है पाक फौज से मुतालबा कि भाई अल्लाह के वास्ते हमारी सुनवाई कर लो। जैसे सिर्फ ये चाहते हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी कर दे, चाहे MQM कर दे, चाहे PTI कर दे, कोई भी इदारा है, वो इस व्यापारियों को मसले को हल करे मेहरबानी फरमा कर, क्योंकि अब हम तंग आ चुके हैं। गटर के मामलात में क्या हम फौज को बुलाएं, आर्मी चीफ को बुलाएं, चीफ जस्टिस को बुलाएं, क्या मतलब क्या है ये? हम एटमी मुल्क हैं, गटर के लिए आप बोल रहे हो कि मैं क्या कहूँ आपको इसका? आप खुद समझ सकते हैं कि ये सिर्फ गटर का मसला है, इसको हल कर किया जा सकता है? पता नहीं क्यों नहीं किया जा रहा। फौज जो है जब वो उतरेगी पूरी टीमों के साथ तभी गुजारा होगा ना। बर्ड पैलेस के ऊपर उन्होंने पानी क्लियर कर लिया, देखें ये ऐसा तो है नहीं। पाक फौज ने खड़े होकर काम लेना इनसे, पाक फौज खुद तो लाइनें डालेगी ना। लाइन कौन डालेगा? डिपार्टमेंट डालेगा ना। लाइनें खुलवाएगा कौन? डिपार्टमेंट। पाक फौज सिर्फ इनको ऊपर सुपरवाइजिंग करे, इन सबके ऑडिट करे कि सारा पैसा गया किधर है। अगर इन्होंने पैसा लगाया तो दिखाया तो सही, नीचे से ऊपर तक हर जगह करप्शन है, हर जगह पैसे की मार है। जब वक्त आएगा मैं आपको उन लोगों के नाम भी बताऊंगा, मेरी टीम ही बताएगी, जो सिर्फ बोलते पैसे निकालो तो हम तुम्हारे काम कर देते हैं, पैसे लगा लो तो लाइनें लगा देते हैं।
ये कोई बारे थोड़ी करने वाली, अभी इनको यहाँ पे मीठे पानी की लाइन लगानी है तो फटाफट पैसे निकलते हैं, क्योंकि 1 लाख रुपए की लाइन, 1.5 लाख रुपए की लाइन, 2 लाख रुपए की लाइन मिलती है। लोगों को तो मरने का खौफ ही खत्म हो गया है, वो जो मीठे पानी की लाइन लगानी होगी, अभी रोड भी कट जाएगा, पाइप भी तल जाएगा, क्यों? मफाद है। आज हम तबाह क्यों हो रहे हैं? इसी वजह से तबाह हो रहे हैं, हमारे अपने मफादात लगे हुए।